छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होने हैं। इसी बीच कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। नियमितीकरण की आस में अभी भी बैठे कर्मचारी के मामले पर कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के समय कर्मचारियों के साथ अन्याय और उनका शोषण हुआ। हमारी सरकार के समय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई, बहुत से कर्मचारियों को नियमित किया गया। जो बचे हैं उनके हित में संसाधनों और बजट को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ, शोषण हुआ। हमारी सरकार ने तो उनके वेतन में 27% की एकमुश्त बढ़ोतरी की। बहुत सारे अनियमित कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारियों के वर्गों को हमने नियमित भी करने का काम किया है। निश्चित तौर पर अभी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। अब की बार सरकार आने के बाद राज्य के संसाधनों के हिसाब से सबके हित में निर्णय लिया जाएगा। वहीं मतगणना को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर तंज कसा है। उनका कहना है कि मतगणना में गड़बड़ी करना भाजपा का चरित्र है। मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया। भाजपा चुनाव हार रही है, इसलिए उनके नेता पटकथा लिख रहे हैं। हारने के बाद पटकथा बताएंगे कि मतगणना में गड़बड़ी हुई है। देखिए, ईवीएम में छेड़खानी, स्ट्रांग रूम में बदमाशी, पड़े हुए मतों में गड़बड़ी करना, ये भारतीय जनता पार्टी का शगल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। मध्य प्रदेश में देखिए, आपकी भारतीय जनता पार्टी की जहां शासन है, वहां पे कलेक्टर ने तो सीधे बैलेट पेपर को ही खुलवा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मालूम है कि वह बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। तो उनके नेता तमाम तरीके की पटकथा लिख रहे हैं कि हारने के बाद जनता को क्या क्या बहाने बताना है, लोगों में मीडिया को क्या क्या बहाने बताना है। कभी बताएंगे कि चुनाव प्रचार थमने के बाद भूपेश बघेल ने रैली निकाली, एक हफ्ते बाद उनको याद आता है। कभी बताएंगे कि स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी हो रही है, कभी किसी कलेक्टर के खिलाफ शिकायत करेंगे, कभी निर्वाचन आयोग के खिलाफ शिकायत करेंगे। यह इस बात का द्योतक है, इस बात का परिचायक है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही। धान के मूल्य को लेकर सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय जनता को ठगने के लिए धान का मूल्य 3100 किया है। उन्होंने आगे कहा कि देश के बाकी राज्यों के किसानों ने क्या गुनाह किया है, मध्य प्रदेश में धान की कीमत 1500 क्यों दी जा रही है, छत्तीसगढ़ में 3100 दे सकते हैं तो बाकी राज्यों में किसानों का क्या गुनाह है। छत्तीसगढ़ में गरीबों को 500 में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, ये देश के बाकी गरीबों के साथ अन्याय है। जनता को ठगने के लिए भाजपा ने घोषणा की है, भाजपा ने समर्थन मूल्य नहीं दिया है। सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे लोकसभा चुनाव में, उसे हम बड़ा मुद्दा बनाएंगे। देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि आप किसी एक राज्य में चुनाव लेने के लिए जनता को ठगने के उद्देश्य से कोई घोषणा करेंगे तो सवाल तो खड़ा होगा ना। यदि छत्तीसगढ़ में आप 3100 रुपए धान की कीमत देने की बात कर रहे हैं तो केंद्र में आपकी सरकार है। देश के बाकी 28 राज्यों के लोगों ने क्या गुनाह किया जो धान पैदा करते हैं जहां के लोग? उत्तर प्रदेश का किसान 1200 में क्यों धान बेच रहा है, गुजरात का किसान क्यों 1400-1200 में धान बेच रहा है, मध्य प्रदेश में धान की कीमत 1500 रुपए क्यों है? तो इसका जवाब भाजपा को देना होगा। यदि आप छत्तीसगढ़ में 3100 दे सकते हैं तो पूरे देश में आपको ऐसा लगता है किसानों को इतना दिया जाना चाहिए जो जरूरी है देना? हम 3200 देने की बात किए तो आप पूरे देश में कानून बनाइए, पूरे देश में समर्थन मूल्य धान का घोषित कर दीजिए जो छत्तीसगढ़ में किया। या छत्तीसगढ़ के गरीबों को आप 500 में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं तो इस देश के, भारत के सारे गरीब के साथ अन्याय नहीं है? आप पूरे देश में सिलेंडर 500 में दीजिए, 400 का सिलेंडर 1200 आपने किया है ना, आपकी केंद्र में सरकार है। तो छत्तीसगढ़ में ठगने के उद्देश्य से जो बातें आप कर रहे हैं, देश के बाकी राज्य के लोग तो इस बात को खड़ा करेंगे। और देश में केंद्र में विपक्ष में होने के नाते हम भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे घोषणा पत्र को पूरे देश भर में ले जाएंगे लोकसभा में। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वह पूरी तरीके से एक बड़ा मुद्दा होगा कि केंद्र में इन्होंने 10 साल सरकार चलाई, समर्थन मूल्य नहीं दिया। केंद्र में इन्होंने सरकार चलाई, रसोई गैस का मूल्य दुगुना तिगुना कर दिया, और छत्तीसगढ़ में वोट लेने के लिए इन्होंने 500 की बात की थी, 3100 की बात की थी। ये बड़ा मुद्दा बनने वाला लोकसभा में, हम मनाएंगे इसको। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में आखिर किसकी सरकार बनती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के वादे भाजपा पर भारी पड़ेंगे या भाजपा का घोषणा पत्र
कांग्रेस को पटकनी देने के लिए काफी होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विवाद को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।